हेलो दोस्तों, टेक पोर्टल के नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में आज हम जियो फोन की अनबॉक्सिंग और एक क्विक लुक देखने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। बॉक्स के अनबॉक्सिंग में ऑलरेडी कर चुका हूँ, बट स्टिल मैं आपको दिखा देता हूँ कि बॉक्स में क्या क्या आपको मिल जाएगा। तो फ्रंट में आपको मिल जाता है ये जियो डिजिटल लाइफ का फोन का डिजाइन, और यहाँ पे लिखा है कि आप इसको इजीली अपने टीवी से भी कनेक्ट कर सकते हैं जियो मीडिया केबल के थ्रू। तो यहाँ पे और कुछ नहीं है। तो बैक पे आपको यहाँ पे कुछ मिल जाते हैं कि आपको क्या क्या क्वांटिटी में मिलेगा। तो जैसे अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको एक हैंडसेट, अडेप्टर, बैटरी, एक OSG, आई डोंट नो ये क्या है, एक कीपैड गाइड, बट मुझे इसके अंदर कोई कीपैड गाइड नहीं मिली, और एक जियो सिम कार्ड जो ऑलरेडी फ़ोन में आपको डलाया मिल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ जियो की सर्विसेज है जैसे जियो शेयर, TV, जियो मनी, म्यूजिक, जो आप इजीली जियो के थ्रू इजीली एक्सेस कर सकते हैं, हेलो जियो जैसे गूगल असिस्टेंट की तरह भी। और जियो के कुछ फ़ोन के फीचर्स यहाँ पे भी दिए हुए हैं जैसे HD वॉइस कॉलिंग और वीडियो कॉल, 4G इंटरनेट की ब्राउजिंग कर सकते हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे आपको जियो लोकेशन लाइक GPS और ब्लूटूथ भी मिल जाएगा, वायरलेस FM रेडियो है, वाईफाई कनेक्टिविटी भी मिल जाती है आपको। और जियो फोन की स्पेसिफिकेशंस आपको मिल जाएंगी यहाँ पे, 6.09 सेंटीमीटर लाइक 2.4 इंच की आपको एक TFT की डिस्प्ले मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.4 इंच की डिस्प्ले, एंड यहाँ पे आपको फ्रंट में एक VGA कैमरा मिल जाएगा यहाँ पे, और बैक पे आपको 2 मेगापिक्सल का कैमरा यहाँ पे मिल जाएगा। और आपको इसमें इनबिल्ट 2000 mAh की बैटरी मिलेगी, 512 MB रैम है इसकी, और 4 GB इसकी इंटरनल मेमोरी आपको मिल जाएगी। और इसमें आप SD कार्ड लगा सकते हैं 128 GB। तो मैं आपको बैक में इसको दिखा देता हूँ, और यहाँ पे आपको एक 3.5 mm का जैक आपको यहाँ पे इजिली मिल जाएगा विथ यहाँ पे एक माइक के साथ। तो ये थी फ़ोन की चीज़ें, तो चलिए इसको फटाफट इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे को इसके अंदर बैटरी मिली थी, मैंने ऑलरेडी बैटरी इसके अंदर डाल दी है, तो इसको साइड में रख देते हैं। तो ये है एक चार्जर जियो फोन का, तो इसमें देख लेते हैं, ये आपको 700 mAh लाइक आउटपुट आपको इसमें 5 volts का मिल जाएगा, और इसमें 700 mAh की पावर मिल जाएगी आपको। और इसमें मेरे को जियो गाइड नहीं मिली है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और बॉक्स में और कुछ भी नहीं मिला। ये 2000 mAh की बैटरी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो जियो की सिम ऑलरेडी आपको डली हुई इसमें मिलेगी, और यहाँ पे अपना मेमोरी कार्ड अप टू 128 GB ईजिली इसमें लगा सकते हैं। तो चलिए इस फोन को ऑन कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक टॉर्च लाइट मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको 3.5 mm का हेडफोन जैक, और यहाँ पे USB चार्जिंग पोर्ट, और यहाँ पे आपको माइक भी मिल जाएगा। तो बैक में है एक 2 मेगापिक्सल का कैमरा और स्पीकर्स यहाँ पे, और फ्रंट में भी आपको एक VGA कैमरा मिल जाएगा वीडियो कॉलिंग के लिए। तो दोस्तों ये तो थी फ़ोन की ओवरव्यू। तो आप सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो ये करंटली काई OS 2.0 पे चल रहा है, इसे मैंने रिसेंटली अपडेट किया है। तो सेटिंग्स में मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे डिवाइस में, डिवाइस इन्फॉर्मेशन में जाके आप देख सकते हैं काई OS वर्जन 2.0, अगर आप ऐसे देख पा रहे हैं। तो नीचे जैसे ही आप स्लाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे लाइव सॉफ्टवेयर अपडेट भी मिलेगा, तो आप इजीली जाके यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट भी चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं द सिस्टम इज ऑलरेडी अप टू डेट, तो मुझे सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे सेटिंग्स में हमें एयरप्लेन मोड, मोबाइल डेटा जो मैंने ऑलरेडी ऑन कर रखा है, वाईफाई, आपको ब्लूटूथ, NFC का सपोर्ट भी मिल जाता है, जियो पे के थ्रू आप इजीली पेमेंट्स भी कर सकते हैं, जियो लोकेशन का हेल्प आपको इसलिए मिलेगा अगर आपको कभी भी किसी को इमरजेंसी कॉन्टैक्ट भेजना है, तो सिर्फ 5 प्रेस करके अपने आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को अपनी लोकेशन और टाइम वगैरह इजीली भेज सकते हैं अगर आप किसी इमरजेंसी में हैं। कॉल सेटिंग्स, इमरजेंसी अलर्ट्स भी आप यहीं से कर सकते हैं। डिस्प्ले में आप ब्राइटनेस वगैरह और वॉलपेपर्स वगैरह भी इजीली सेट कर सकते हैं, स्क्रीन लॉक, पासवर्ड्स वगैरह, ऐप की परमिशन अगर आपको देनी है। स्टोरेज, इसमें आपको 512 MB की रैम और 4 GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है, जिसके अंदर मीडिया स्टोरेज अवेलेबल है ऑलमोस्ट अराउंड 1 GB, और एप्लीकेशन का स्टोरेज ऑलमोस्ट 1.23 GB है। मुझे पता नहीं, मैंने अभी तक इसमें OTG वगैरह ट्राई नहीं किए हैं, मुझे लगता है कि शायद इसमें OTG भी सपोर्ट हो, ये शायद ही मेमोरी कार्ड के लिए भी हो सकता है। तो डिवाइस में आपको यहाँ पे डाउनलोड जो भी आप डाउनलोड करेंगे आपको मिल जाएगा, और यहाँ से आप बैटरी सेक्शन के अंदर अपना करंट बैटरी लेवल भी देख सकते हैं, और या अगर आप चाहते हैं तो इसको आप पावर सेविंग मोड पर भी इजिली सेट कर सकते हैं।
तो ये था सेटिंग्स का ओवरव्यू। और अब सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू देख लेते हैं। अलर्ट से आप यहाँ से लेटेस्ट नोटिफिकेशंस इजीली एक्सेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप इजीली कॉन्टैक्ट्स में भी जा सकते हैं। तो अगर आपको जियो पे एक्सेस करना है तो इसको बस लॉन्ग प्रेस करके रखें, तो ये कुछ ही सेकेंड में आपका कितना डेटा आपका जियो का बचा है वो भी इजीली बता देगा। अभी जियो वर्क नहीं कर रहा है, और यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके आप जियो वीडियो कॉलिंग वगैरह भी यहाँ से यूज कर सकते हैं। और फोन को काटने के लिए और बैक करने के लिए आपको ये रेड बटन यूज करना पड़ेगा। तो माई जियो ऑन हो गया है, तो फोन में आपको एक कॉल लॉक्स कॉन्टैक्ट जियो स्टोर मिल जाता है, मैसेजेस क्लॉक। तो कैमरा इसका देख लेते हैं एक बारी। तो इसका ये है 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा। तो अब इसका फ्रंट कैमरा एक बारी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एक डिसेंट क्वालिटी मिल रही है वीडियो कॉलिंग के लिए, तो ये मेरे को अच्छा लगा। तो ये मैंने वीडियो मोड में स्विच कर लिया है। फ्रंट से बैक से आप इजीली वीडियोस भी बना सकते हैं। और यहाँ पे आपको म्यूजिक, कैलेंडर, गैलरी, वीडियो सेटिंग्स, जियो सिनेमा भी मिल जाएगा, जिससे आप इजीली मूवीज वगैरह भी देखनी हो आप देख सकते हैं। नोट्स, हेलो जियो, गूगल असिस्टेंट की तरह वर्क करता है। जियो गेम्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जियो म्यूजिक, ऑनलाइन म्यूजिक आप इजीली सुन सकते हैं, कोई भी हिंदी इंग्लिश आप जैसा सुनना चाहें। जियो शेयर है, जियो टीवी। आप जियो टीवी मेरे को सबसे अच्छा लगा, बिकॉज अगर आप लाइव टीवी देखने के शौकीन हैं तो आप इजीली यहाँ से कोई भी चैनल, यहाँ पे बहुत सारे चैनल आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ आपको जियो वीडियो कॉल भी मिल जाते हैं, जियो एक्सप्रेस न्यूज वगैरह देखने के लिए। माई जियो एप्लीकेशन भी ऑलरेडी इंस्टॉल है, और जियो के ऐप स्टोर से भी आप बहुत सारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे 4 GB का स्पेस इंटरनल में इजिली दिया हुआ है। तो दोस्तों ये था एक क्विक रिव्यू इसके इंटरनल और एक्सटर्नल फीचर्स एंड क्विक अनबॉक्सिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूले, और ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब का बटन आपको नीचे मिल जाएगा, और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। दोस्तों मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ।